फैक्टर और मल्टीपल्स को सीखने के बाद अब हम जानते हैं कि एलसीएम का क्या अर्थ है। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम ऑफ टू और मोर गिवन नंबर इज द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स। यानी कि दो या दो से अधिक अगर हमें कोई नंबर दिए हुए हैं तो उसका एलसीएम होगा सबसे लीस्ट नंबर जो दिए हुए नंबर से पूरी तरह से डिविजिबल हो। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 इज 20, कि 4 और 5 का जो एलसीएम है वह 20 है, क्योंकि 20 सबसे कम संख्या है, यहाँ पे सबसे लीस्ट नंबर है जो 4 एंड 5 से डिविजिबल है। 20 से कम कोई भी नंबर नहीं है यहाँ पर जो 4 एंड 5 दोनों नंबर से डिविजिबल हो। तो हम 20 एलसीएम लेंगे। इसको हम एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि 4 एंड 5 है, अगर हमें इसका एलसीएम फाइंड करना हो तो हमें 4 एंड 5 के मल्टीपल्स चाहिए, है ना। तो हम 4 के मल्टीपल लिखते हैं यहाँ पर, 4 के मल्टीपल 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. 5 के मल्टीपल्स है 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, so on. ऐसे ही मल्टीपल्स आगे भी चलते रहेंगे। तो अब हमें यहाँ पर इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है कि जो सबसे कम संख्या हो इन दोनों में। तो 20 है, कॉमन मल्टीपल की बात करें, एक 20 है, देन 40 है, इससे आगे भी होंगे, है ना। लेकिन जो सबसे कम है जो इन दोनों नंबर से डिविजिबल है वो 20 है। 40 भी इन दोनों से डिविजिबल है लेकिन वो लीस्ट नंबर नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पर जो 20 है वो 4 एंड 5 का एलसीएम है। लेकिन एलसीएम को फाइंड आउट करने का ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। मान लो अगर हमारे पास यहाँ पर कोई नंबर ऐसे है जो बड़े दिए हुए हैं, अगर हमें उनके मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हो तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम उनके मल्टीपल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए एक स्मार्ट वे और इजी वे यूज़ कर सकते हैं जो आप स्कूल टाइम में भी करते होंगे। हम क्या करेंगे, मैं सेम एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे, 4 एंड 5 को एक स्ट्रेट लाइन में लिख देते हैं, 4 एंड 5। फिर हम इसके प्राइम फैक्टर देखते हैं। प्राइम नंबर्स आप लोगों को पता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्राइम फैक्टर जो नेचर में प्राइम होते हैं। और हमें पता है कि प्राइम नंबर कौन कौन से, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो इन नंबर को हम प्राइम नंबर कंसीडर करते हैं। आइए देखते हैं कि प्राइम नंबर से हम कैसे इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे पहले 2, हम मोस्टली उन नंबर्स को यहाँ पर कंसीडर करते हैं जिनके मोस्ट ऑफ द मल्टीपल्स हो यहाँ पर, है ना। अब 2, 4 2 का मल्टीपल है तो ये डिवाइड होगा 2 से, और 5 2 का मल्टीपल नहीं है तो 5 हम एज इट इज़ लिख देंगे। अगेन यहाँ पर 2, 2 ही 2 का मल्टीपल है क्योंकि, तो 1 और ये 5, फिर से हम 5 लेंगे तो ये 1 है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर एक तो 1 आ ही गया और दूसरा 5 है, तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। यानी कि हम इस प्रोसीजर को तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 1 नहीं आ जाता, ठीक है। जब हमारे पास यहाँ 1 आ जाएगा तो हम इस प्रोसेस को वहीं पर स्टॉप कर देंगे। अब जो हमारे पास यहाँ पे प्राइम फैक्टर आए हैं, हम इनका प्रोडक्ट करेंगे, जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो ही इसका एलसीएम होगा। यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 4 5 जो 20। तो इस तरह से हम दिए हुए जो भी हमें नंबर दिए हम उसका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमें नंबर दिए हुए हैं, 2, 3 नंबर्स हमें जो भी दिए हुए जिनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, उसे हम एक स्ट्रेट लाइन में लिख लेंगे। देन हम लेफ्ट साइड पे प्राइम फैक्टर्स को लिखते हैं जो कि उन नंबर्स को डिवाइड कर सके, ठीक है। और फिर हम उन नंबर का प्रोडक्ट करेंगे और जो भी प्रोडक्ट करके हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो एलसीएम होगा। इसको हम एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम ऑफ 14, 42, 75 और 80। इन नंबर्स को भी हम एक स्ट्रेट लाइन में लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि अगर यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है जिसका कोई दूसरा नंबर मल्टीपल हो तो हम उसे इन नंबर्स में से लेफ्ट आउट कर देते हैं,
ठीक है, जो यहाँ पर 42 है वो 14 का मल्टीपल है, तो हम यहाँ पे 14 को लेफ्ट आउट करेंगे। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे 14 के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई नंबर किसी भी नंबर का मल्टीपल नहीं है या कोई भी नंबर किसी और नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा, तो हम उन नंबर को भी कंसीडर करेंगे जब हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं 42, 75 और 80, यानी कि हमें इन तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना है। हमने राइट साइड पे जिनका एलसीएम निकालना है वो लिखे हैं, और हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे जो हमारे प्राइम फैक्टर है। हम मोस्टली प्राइम फैक्टर में वो ही नंबर कंसीडर करते हैं जो ज़्यादा नंबर को डिवाइड कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले 2 लेते हैं। यहाँ पे 21, 42 को 2 से डिवाइड करेंगे, 75 एज इट इज़ रहेगा, और इसको करेंगे तो ये आएगा 40। अगेन हम यहाँ पर फिर से 2 ले रहे हैं, 21 नहीं डिवाइड होता तो ये एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे 75 भी नहीं होता और 20। फिर से हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं, 21 एज इट इज़ रहेगा, 75 देन 10, और ये तब तक करना है जब तक कि जो नंबर हमें हमारे पास हमने कंसीडर किया जो प्राइम नंबर, वो हमारे पास दिए हुए नंबर्स को डिवाइड करना ना छोड़ दे। ठीक है, अब हमने 5 को प्राइम फैक्टर लिया यहाँ पे, तो 21 एज इट इज़ आएगा, 75 को डिवाइड करेंगे तो ये 15 आएगा, और देन 5, ये 5 पे जाएगा, फिर से 21 एज इट इज़ रहेगा, 15 3 और 5 1 हो जाएगा। अब 5 से नहीं डिवाइड हो रहा था, ये 3 के फैक्टर्स हैं हमें पता है यहाँ पर, तो ये 7, तो नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो हम इस प्रोसेस को यहीं पे रोक देंगे। अब हम इनका मल्टीपल करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 2 × 2 = 4 × 2 = 8 × 5 = 18 × 5 = 400 × 3 = 1200 × 7 = 8400, यानी कि एलसीएम आया 14, 42, 75 और 80 का 8400। तो ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल है 14, 42, 75 और 80 का, जो इन सभी नंबर से डिविजिबल है। सबसे कम नंबर है ये हमारे पास 8400। तो आप इस तरह से दिए हुए नंबर का एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, कि हमने सबसे पहले जो नंबर दिए हैं उनको एक स्ट्रेट लाइन में लिखना है। ठीक है, फिर अगर तो हमारे पास कोई नंबर ऐसा है जो किसी दूसरे नंबर का फैक्टर है, या कोई नंबर ऐसा जो पहले नंबर का मल्टीपल है, तो हम उस नंबर को लेफ्ट आउट कर देंगे। ठीक है, राइट साइड पे हमने नंबर्स लिखे और लेफ्ट साइड पे हमने प्राइम फैक्टर लिखने हैं जो कि उन नंबर्स को डिवाइड करते हैं। हमने उस प्रोसीजर को कंटिन्यू रखना है जब तक कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 1 ना आ जाए। ठीक है, और जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे फैक्टर्स आए हैं, हम उनका प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट करके जो भी हमारे पास फाइनल आंसर रहेगा वो उन नंबर्स का एलसीएम होगा।